तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी बजे हुए हैं 7 बज चुके हैं सुबह के, और सब घर में जितने भी कैंडिडेट हैं सब सो रहे हैं क्योंकि आज है छुट्टी। आज 12 वफात की छुट्टी है शायद, तो छुट्टी के दिन कोई जल्दबाजी होती नहीं है तो सब सोते हैं। और मेरा तो मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है, इसलिए मैं तो अपने टाइम से ही उठती हूँ हमेशा, चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो। मुझे तो अपने टाइम पे 4:30 बजे उठना ही है, तो मैं 4:30 बजे उठी। और इसके बाद मैं गर्म पानी पीने के बाद तो बस मॉर्निंग वॉक पे गई। वहाँ से वापस आई तो थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने बनाई अपनी चाय। और ये देखिए, तो चाय बन चुकी है। और ये जो मॉर्निंग टी होती है, ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। बस ये मिल जाए तो फिर बस अपना काम शुरू हो जाता है। तो मॉर्निंग अब टी पी अपना हो जाएगा, इसके बाद और देखेंगे जो कुछ भी होगा। और आज मैं कोशिश करूँगी, कल जाना था मुझे बाजार लेकिन मैं नहीं जा पाई, करवा चौथ आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ सामान लेना था। तो कल पानी बरसने लगा था जैसे ही मैंने जाने की सोची थी, बस अब आज मैं जाऊंगी तो शायद आप लोगों को अपने यहाँ का छोटा सा मार्केट दिखाऊंगी। मेरे यहाँ बहुत ही छोटा सा मार्केट है, लेकिन अब जिस जगह पर रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो यहीं से खरीदते हैं। और हाँ, ये जो है ये मुझे मिला है, तो ये भी मुझे दिखाना है जाके। मुझे पता नहीं ये गोल्ड का है या ऐसा ही है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मार्केट जाऊंगी तो सुनार की दुकान पे दिखा दूंगी, पता चल जाएगा। वैसे मुझे वो लग रहा था गोल्ड जैसा, इसीलिए मैंने पहन के रखा है कि मैं भूल जाऊंगी मार्केट जाते समय, तो मैंने उंगली में ही डाल लिया है। और ये उंगली वाला नहीं है, ये इस टाइप का एक कान वाला है, कान में पहनने वाला है। ये देखिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे मार्केट तो आप लोगों को दिखाएंगे भी, और इसके बारे में भी बताएंगे क्या किस चीज़ का है, कैसा निकला। गोल्ड का निकलेगा तो मज़ा आ जाएगा। चलिए तो अब चाय पीते हैं और फिर इसके बाद आप लोग भी चाय पी लीजिए। और एक्स्ट्रा बना के रखी है मैंने, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाय एवरीवन, और मैं जा रही हूँ मार्केट। मैंने आज सुबह आप लोगों को बताया था कि मुझे मार्केट जाना है, और करवा चौथ आ रहा है तो सब समझ ही सकते हैं कि अब हम लोगों को तो मार्केट जाना ही है। तो मेरे यहाँ का छोटा सा मार्केट है, और दिखाऊंगी मैं आपको, अगर आज दिखा पाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी को बताया नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ या कुछ भी, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं है इस बारे में।
लेकिन आज सोच रही हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो पता तो चल ही जाएगा, या वो लोग पूछेंगे, क्योंकि छोटी जगह है तो पर्सनली सब जानते हैं बचपन से, जैसे कि हम लोग उन दुकानों पर जाते रहे तो वो लोग अच्छे से पहचानते हैं। तो अगर उन लोगों को पता चल ही जाएगा या मुझे बताना पड़ेगा अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने आज इस बार सोचा है कि चलो ठीक है, इस बार मैं बना ही लेती हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगी, अगर बना पाऊँगी तो। मुझे थोड़ा सा अपने यहाँ पे अजीब सा लगता है, क्योंकि कहीं बाहर तो अगर यहाँ से बाहर कहीं वीडियो बनाने को हो तो मैं बना लेती हूँ, मुझे कुछ वो नहीं। लेकिन मेरे यहीं पे मैं थोड़ा सा घर के बाहर बनाने में थोड़ा सा हिचकती हूँ। तो ठीक है, मैं चल रही हूँ अभी मार्केट, और फिर मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो फिर जो कुछ खरीदूंगी वो तो दिखा ही दूंगी आपको। तो चलिए चलते हैं मार्केट, और फिर वहाँ से आने के बाद आपको आज मैं जो भी शॉपिंग करूंगी वो दिखा दूंगी। और मुझे कुछ और भी काम है, साड़ी जो मैंने ली है करवा चौथ में पहनने के लिए, उसका ब्लाउज भी सिलने को डालना है। सिलने को तो मैं खुद सिल लेती हूँ, लेकिन जो लोग देखते हैं मेरा ब्लॉग उनको पता है कि मैं टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है मुझे, कभी तो मुझे नहीं लगता है कि मैं सिल पाऊँगी अब, क्योंकि करवा चौथ में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। कल शरद की पूर्णिमा है, तो कल मेरा व्रत रहेगा, तो कल सिल नहीं पाऊँगी। फिर परसों एक दो दिन बाद करवा चौथ है, तो मैं नहीं सिल पाऊँगी, इसलिए मैं डाल रही हूँ जाके सिलने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि टेलर भी सिल पाएगा, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेती हूँ, कोई ना कोई सिली देगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाय एवरीवन, और ये देखिए आज मैं दिखाऊंगी आपको मेरे यहाँ का मार्केट। तो मैंने पूरा मार्केट नहीं दिखाया, सिर्फ एक दुकान दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो वो फेंक रहे हैं। और आज इतनी बुरी हालत है बाज़ार में दुकानों की कि आप देख सकते हैं कि साड़ियाँ वो कहाँ से दिखा दें, उनकी साड़ियाँ जितनी भी उनकी दुकान में साड़ियाँ थी सब ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। ये देखिए अब वो क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, उनको खुद समझ में नहीं आता है। सुबह से लेके मतलब ये लोग हम गए थे 2-3 बजे करीब हम मार्केट पहुंच गए थे, उसके बाद मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। ये एक साड़ी का ब्लाउज का हिस्सा था, तो ये मैं दिखा रही थी कि इस तरीके से उसका मतलब ब्लाउज बनेगा। पीच कलर की साड़ी थी उसकी, और इस तरीके से ये देखिए आप, मतलब ये लोग ढेर लगा दिया था इन लोगों ने। अब यही होता है जब भीड़ होती है तो पसंद नहीं आता है, और ये लोग वैसे निकाल निकाल के बस फेंकते रहते हैं, और साड़ियों के ऊपर साड़ियाँ फेंकते आते हैं, तो नीचे जो साड़ियाँ अच्छी भी होती हैं और वो समझ में नहीं आती हैं, फिर वहाँ पर दब जाती हैं बुरी तरीके से। तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला हम लोगों को, हम 4 घंटे मार्केट में घूमते रहे इसी तरीके से, हर दुकान की यही दशा थी। तो आप देख सकते हैं ऐसी ढेर लगे साड़ियों का जो पड़ा हुआ था यहाँ पे। और बस फिर इसके बाद हम गए थे दूसरी दुकान में, तो वहाँ पे भी यही हाल था, वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं थी, ये ज़्यादा छोटी सी दुकान थी। ये देखिए जिसको जो कुछ पसंद आता था तो वो अपनी गोदी में रख के बैठ जाते थे, ताकि वही दूसरे को पसंद ना आ जाए, क्योंकि अभी करवा चौथ की वजह से बहुत भीड़ चल रही है, और हमारे जहाँ पर मैं रहती हूँ जगह बहुत छोटी है, गिनी हूँ 2-4 दुकानें हैं हमारे यहाँ, और आसपास के गांव के ग्राहक भी आते हैं मार्केट में। और ये देखिए तो मतलब मतलब बिल्कुल अच्छी साड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और इसके बावजूद ये लोग रेट भी इतना हाई फाई लगाए हुए थे। तो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं सब, उनको पता है कि अब करवा चौथ है तो लेडीज़ तो खरीदेगी ही, चाहे वो जैसा हो। तो अगर कोई चीज़ पसंद, कोई साड़ी पसंद आ रही थी तो उसका रेट मतलब बहुत हाई फाई लगाया हुआ है, और वैसे तो पसंद ही नहीं आ रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और वो लोग पसंद करवा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका जितना माल था वो सब नीचे फेंक चुके थे वो लोग ज़मीन पे, तो वो दब चुका था, तो कुछ दिखा नहीं सकते थे। और जो कुछ दिखा रहे थे तो बड़ी मुश्किल से पसंद आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था तो फिर उनका रेट पसंद नहीं आ रहा था। इस तरीके से मतलब आज बड़े परेशान हुए हम लोग, 4 घंटे तक मार्केट में घूमते रहे, और उसके बाद 2 साड़ियाँ पसंद की हम लोगों ने,
और इसके बाद आ गए थे वापस। तो अब मैं जो कुछ भी लाई हूँ या मेरा जो भी सामान है वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये देखिए, जिसको जो अच्छा लगता था ना वो खुद ही अपना लेके बैठ जाता था ताकि कोई दूसरा ना ले ले, नहीं तो छीना झपटी हो रही थी। जो मुझे पसंद आ रहा था तो दूसरा खींच लेता था कि इस तरीके से काम हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो कल तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।